एंटी माफिया अभियान के तहत जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, राशन माफिया की अवैध दुकान पर चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एसडीएम लोकेंद्र सरल के द्वारा राजस्व एवं पुलिस नगर पालिका की टीम के साथ पीडीएस के राशन की कालाबाजारी में संलिप्त राशन माफिया के पुल दरवाजा रोड स्थित अवैध रूप से बनी दुकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज करने की कार्रवाई करते हुए नाले को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। बता दें कि गत दिवस फरियाद अंसारी के विरुद्ध देहात थाना श्योपुर में पीडीएस का एक ट्रक चावल बेचने के लिए जयपुर ले जाते हुए पकड़े जाने पर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर लवली गोयल के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके अलावा चोर बाजारी व कालाबाजारी अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं कार्यवाही के दौरान एसडीओपी अशोक सिंह जादौन, टीआई सतीश दुबे, नायब तहसीलदार भारतेंदु सिद्धार्थ गौतम, सीएमओ नगरपालिका मधुसूदन श्रीवास्तव मौके पर उपस्थित थे। आज हमने सुपर फुल।